नमस्कार, सिन आजकल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ चेतना चौधरी। चलो रुक करते बड़ी खबरों की ओर। मैं अरुण कुमार ओझा, सीएम इंडिया टीवी और सिने आजकल में आपका स्वागत है। मैं अभी प्रखंड मुख्यालय के मनरेगा भवन कार्यालय के पास हूँ, जहाँ एमओ कार्यालय और मनरेगा का भी काम चलता है। अभी यहाँ कई लोग खाद्य सुरक्षा योजना की समस्या को लेकर आए हुए हैं। यहाँ प्रखंड मुख्यालय में एमओ के कार्यालय प्रतिदिन कई दिनों से ये बंद है। एमओ साहब वो आते ही नहीं है, ऐसा ग्रामीणों का ऐसा लोगों का शिकायत है। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, अभी ये एमओ कार्यालय में ताला लगा हुआ है, कोई नहीं है। प्रखंड आपूर्ति कार्यालय सर यहाँ कोई है नहीं, अभी ताला लगा हुआ है। कई लोग यहाँ हैं, आए हुए हैं, उनका काम अभी अटका हुआ है। तो सबसे पहले मैं यहाँ आए समस्याओं कई समस्याओं को लेकर आए एक ग्राहक जो इनसे मिलवाता हूँ। सर आप ये बताइए आपकी क्या समस्या है? देखिए समस्या ऐसी है कि यहाँ पर जो खाद्य सुरक्षा के एमओ हैं वो आज के डेट में आज 20 दिन 25 दिन से पहले से ही यहाँ वो आते हैं, कब आते हैं कब जाते हैं ये पता ही नहीं चलता। यहाँ पर बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो कि भर भर दिन अपना काम अकाज करके काम वेस्ट करके यहाँ बैठे रहती है सब, कि थोड़ा उनसे भेंट हो जाए। जो उन लोगों का मसला है कि राशन नहीं मिलता है, कार्ड बना हुआ है उसको लिंक नहीं किया गया है, उसको लेकर वहाँ आती है लोग, यहाँ पर बैठती है, पूछती है किसी किसी आदमी से कि आए हैं, तो कोई कहता है कि ए भाई वो तो वहाँ होंगे, लेकिन फ़ोन लगाने पर भी फ़ोन ना उठाना। नंबर तो दे दिया कि हमारा नंबर ये है, लेकिन वो महिला जो निपड़ है वो कहाँ से लगाएगी नंबर। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जब तक अगर इस पर सरकार कार्रवाई नहीं करती है खाद्य सुरक्षा पर, यहाँ से राशन उठता है कुछ और गांव में जाते जाते राशन मिलता है गरीबों का कुछ, जहाँ दो दो किलो तीन तीन किलो अनाज काट लिया जाता है, उसका पैसा ले लिया जाता है। तो हमको यही कहना है कि आखिर पैसा जब दे दिया तो पैसा देने के बाद भी उसका राशन क्यों कटेगा, उसको पूर्ण रूप से राशन मिलनी चाहिए। सरकार तो ये नहीं कर रही है कि भाई आप पूरा पैसा ले लो और इनको राशन मत दो। तो ये सारा चीज इन लोगों का है, और जब इनसे बात कीजिए तो बोलते हैं कि भाई एसडीओ साहब के घर जाना है तो एसडीओ साहब के पास जाना है, तो कभी सप्लाई इंस्पेक्टर साहब के पास जाना है। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम है उदय कुमार पटेल, मेरा ग्राम हुआ हापुरा, थाना है संदेश, ब्लॉक है संदेश, जिला भोजपुर का रहने वाला हूँ और हमारा बिहार का तो निवासी है ये है। और बात बहुत ऐसी है जो अभी कहने को तो बहुत कुछ कहेगा, लेकिन इतना ही है कि इस पर सरकार पहल करे और पहल के साथ यहाँ पर सप्लाई इंस्पेक्टर को हफ्ता में दो दिन बैठने का आदेश जारी करे। अभी दूसरा ग्राहक लाभुक से मैं बात करता हूँ। सर पहले आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम विद्यानंद मिश्रा हुआ, ग्राम पिंजरों पोस्ट रामा सा, थाना संदेश, जिला भोजपुर बिहार का रहने वाला हूँ। मैं कुछ दिन 6 साल से जो है सर तेलंगाना में ड्यूटी किया, अभी लॉकडाउन से मैं आ गया पिंजरों गाँव पे आ गया, तब से हमारा 6 महीना हो गया राशन नहीं मिल रहा है। राशन के लिए हर प्रमुख के पास गया जो है सर, हर डीलर के पास गया, नेट नहीं काम कर रहा तो जो है संस्था का लिंक नहीं काम कर रहा। मैं 6 महीने से दुकान से किसान से चावल गेहूँ खरीद के जो है सर बच्चे परिवार को पालन पोषण कर रहा हूँ। हमको बहुत तकलीफ है क्योंकि सिंगल हमको राशन डीलर जो है से 2 अक्टूबर को सिंगल दिए, प्रधानमंत्री जो दे रहे हैं फ्री में वो भी राशन हमको नहीं मिला। हमको इस बात से बहुत तकलीफ है, अगर सरकार सुरक्षा करे तो बहुत अच्छी बात है। तो इसमें आप दोषी किसको मानते हैं, डीलर को या पदाधिकारी? पदाधिकारी साहब लिंक करे तो डीलर दे सकता है, लेकिन डीलर के पास लिंक ही नहीं कर रहा है तो डीलर कहाँ से देगा। एमओ साहब संदेश में कई बार आते हैं, कितना दिन से आप घूम रहे हैं संदेश में? हम 2 महीने से घूम रहा हूँ, कभी रहते कभी नहीं रहते, मिलते भी नहीं है, जो किससे समस्या का समाधान कहा जाए। आप 2 महीना में कितना बार देखे एमओ साहब को यहाँ? एक बार भी हम नहीं देखे। एक बार भी 2 महीना में नहीं आए? नहीं आए। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हम यहाँ के कुछ और लोग हैं जो भक्ता माले के प्रखंड सचिव हैं, जीतन चौधरी जी, मैं इनसे इस संबंध में बात करना चाहूँगा। सर आप ये बताइए कि डीलर के लेकर के यहाँ राशन को लेकर के कई समस्याएं हैं यहाँ प्रखंड में,
तो इसके संबंध में आप किसको किसको कोई सूचना दिए नहीं दिए, क्या किए उसके संबंध में? देखिए, ये जन वितरण प्रणाली दुकान है, ये जनता को लाभकारी योजना है, ये के जीने का साधन है, लेकिन यहाँ हमने देखा संदेश से मनरेगा भवन में उनका कार्यालय है और जनता को जो समस्या है, जनता अपने समस्या के लेके यहाँ जो कार्यालय में आते हैं तो कार्यालय बंद रहता है या खुला भी रहता है तो दलाल के माध्यम से ये कार्यालय चलता है। एमओज हैं, यहाँ नहीं आते हैं, उनको इस जनता से लेना देना नहीं है, समस्या से लेना देना नहीं है, वो दलाल के माध्यम से यहाँ कार्यालय चलता है। तो हम इस तीखा विरोध करते हैं, हम मांग करते हैं कि नियमित रूप से एमओ यहाँ जो कार्यालय है वहाँ बैठे और जनता की जो समस्या है वो समाधान करे। समस्या क्या है? आप हमारे प्रखंड क्षेत्र के भाकपा माले के नेता हैं, यहाँ जनता की कई समस्याएं हैं, समस्या के विषय में आपने कहा क्या कुछ किया? देखिए, हमारी काम है जनता को समस्या के निदान करवाने के लिए संघर्ष करना। हम गांव-गांव में गरीब मजदूर किसान के बीच जाते हैं, बैठक करते हैं, मीटिंग होता है, मीटिंग में पता चलता है कि हमारे नाम से राशन कार्ड बना है, उसमें सब चीज़ें ऑलरेडी तैयार है और यहाँ आने पर माने हमारा राशन नहीं मिलता है। अब हम जाते हैं डीलर के पास तो डीलर तो अपने राशन इनको राशन उपलब्ध करा दें, लेकिन वहाँ माने लिंक या मशीन सर्वर गड़बड़ होने के कारण नहीं मिल पाता है। हम कंप्लेन लेके आप सीधे आते हैं ब्लॉक में, यहाँ आते हैं। समस्या ऐसा है कि हमारे नाम से राशन कार्ड बन गया है और उसमें दूसरे गांव का आधार से लिंक कर दिया गया है कि आधार से लिंक न होने के कारण यहाँ हमारी त्रुटि बताई जाती है। डीलर साहब भी कहते हैं कि भाई आधार में गड़बड़ है, तो हम यहाँ आते हैं पदाधिकारी के पास, एमओ साहब से भेंट नहीं होता है, और यहाँ दलाल कुछ बैठे हैं वो भी ऑपरेटर भी अभाव है, ऑपरेटर ही नहीं है। तो हम सुधार करने की जहाँ बात करते हैं तो हमारी समस्या के अनसुना कर दिया जाता है, हमारी समस्या समाधान नहीं होता है और इसी तरह हम लोग जाके घर बैठ जाते हैं, राशन से वंचित रह जाते हैं। तो ये हम कहते हैं कि हमारे यहाँ बिहार के लोग बाहर जाके काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, तो उनका वहाँ राशन मिलता है, हमें फोन के माध्यम से बात करते हैं मिल जाता है, लेकिन बिहार के ही जिनको जिन भी जरूर लोग गरीब हैं जिनको राशन चाहिए उनको राशन से वंचित कर दिया जाता है कुछ ना कुछ त्रुटि दिखाकर, या तो नंबर में गड़बड़ है, आधार से लिंक नहीं है, तो ये खाता आपको कंप्यूटर पर नहीं चढ़ा हुआ है, ये यही बताकर हम को राशन से वंचित कर दिया जाता है और कंप्लेन हमें कोई नहीं सुनता है। हम मांग करते हैं कि जो समस्या है जनता का, इस पदाधिकारी नियमित कार्यालय में बैठे और जनता को समस्या को निदान करे, अन्यथा अभी तो चुनाव है चल रहा है, इसके बाद बहुत भारी आंदोलन होगा राशन के सवाल पर। बस ऐसा भी रिपोर्ट मिल रहा है कि बिहार के लोग दूसरे स्टेट में जाते हैं, उनको राशन वहां मिल जाता है, लेकिन दूसरे स्टेट का बना हुआ राशन कार्ड बिहार में नहीं मिलता है, जबकि सरकार वन नेशन वन कार्ड लागू किया है, इस पर आप क्या कहेंगे? ना, ये तो हम कह रहे हैं कि ये वन नेशन वन जो कार्ड लागू किया है ये बिहार के आदमी को मिलना चाहिए, जो बिहार के बाहर रहते हैं उनको मिलता है, तो बाहर से आए यहाँ तो कहीं नहीं मिलेगा, उनको लागू होना चाहिए, ये कानून होना चाहिए कि जो बाहर रहते हैं वो आए हैं तो राशन मिलना चाहिए, होना चाहिए। इसमें पदाधिकारी लोग जो करते हैं गड़बड़ी करते हैं वो दोषी हैं, उनको पकड़वाई किए करना चाहिए जो नहीं राशन उपलब्ध कराते हैं। इसमें आप किसको दोषी मानते हैं? पदाधिकारी हैं, सरकार तो लागू कर दिया है तो पदाधिकारी यहाँ क्यों नहीं दे रहे हैं, तो दोषी तो यही हुए। और जब पदाधिकारी कह रहे हैं कि नहीं हमें ऊपर से अलाउ नहीं, सरकार से नहीं है, तो बताएं कि भाई ऊपर से नहीं है तो हम नहीं देंगे, तो हम सरकार को पकड़ेंगे, धरेंगे, सरकार के आंदोलन करेंगे।
तो ये तो मामला है, ये पदाधिकारी के गड़बड़ है, ये पदाधिकारी के माध्यम से इस सब चीज़ें किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने ये कई पब्लिक और ये नेताजी से सुना, राशन को लेकर यहाँ कई समस्या है, जिसको कई ग्राहक यहाँ भी यहाँ बता रहे हैं। एमओ साहब नहीं रहते हैं, ऑपरेटर नहीं राशन खाद्य सुरक्षा विभाग के रहते हैं, जिसको इन्होंने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। परिचय तो आप अपना परिचय बताइए। हमारा नाम जीतन चौधरी है, भाकपा माले प्रखंड सचिव संदेश भोजपुर। चलिए धन्यवाद। मेरे साथ बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए सिने आजकल न्यूज। नमस्कार।